वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही डेलिशियस रेसिपी जिसका नाम है आलू पनीर चीज बॉल्स। जी, ये काफ़ी ही बच्चों को भी पसंद आती है रेसिपी। उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स हमें क्या रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पर 6 आलू काट ले लिए हैं, बॉईल कर दिया है जिनको, जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम्स पनीर लिया है, चीज़, ग्रीन चिली, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 3 टेबल स्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1/2 लेमन, धनिया पत्ता, लाल मिर्च एंड नमक अपनी स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू पनीर चीज़ बॉल्स। करेंगे पहले मैश अपने हाथों के हेल्प से ही। मैंने हैंड्स वॉश कर दिए हैं, अपने हैंड्स के मदद से ही हम आलू को पूरा मैश कर देंगे। पहले तो पनीर को ग्रेट कर देंगे अच्छे से, पूरा पनीर को और चीज़ को इकट्ठे ग्रेट करना है। तो अब पनीर और चीज़ ग्रेट कर हो गया, यहाँ पर आलू भी मैश कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस आलू में ही हम ऐड कर देंगे ये पनीर और चीज़ को। वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैदा, कॉर्नफ्लावर, हरी मिर्च, लाल मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार हम ऐड कर देंगे, धनिया पत्ता एंड आखिर में निचोड़ लेंगे इसमें नींबू। अभी हम इसको अच्छे से पूरा मिक्सचर मिक्स कर देंगे और बॉल बना देंगे पूरा अच्छा सा। इस तरीके से इसको हम अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल भी डाल देंगे ताकि जो मिक्सचर है अच्छे से पूरा स्टफिंग साथ हो जाए, कंबाइन हो जाए। अब देखिए ये पूरा मिक्सचर बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हैंड्स पे अपने पाम पे थोड़ा सा ऑयल ऐसे इस तरीके से लगा देंगे और इस मिक्सचर के हम बॉल्स बनाएंगे, छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाएंगे इसके। इस तरीके से सारी बैच हम ऐसे ही बनाएंगे। ऑयल गरम कर दिया है। अब मैं इसमें एक बॉल डालकर आपको दिखाती हूँ। इस प्रकार हमें इसे डालना है। अब सारे ही जो बॉल्स हैं हमारे, इस प्रकार आप फ्लेम पहले स्लो कर दें जब आप बॉल्स डाल रहे हैं। अब मैंने जो फ्लेम है उसको मीडियम पर रख दिया है और हमें इनको फ्राई करना है जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेते। अगर जब बनाते वक्त आपको, आप एक पल्स डाल के देखें ट्राई करने के लिए कि आपका बरोबर से वो बन रहा है बॉल के नहीं। अगर नहीं बनता, थोड़ा मिक्सचर जो है वो गीला गीला या सॉफ्ट लग रहा है, तो आप इसमें एक ब्रेड ऐड कर सकते हैं तोड़कर। अब आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है, मैं इनको निकाल दूंगी। तो ये देखिए गर्मा गर्म आलू पनीर चीज बॉल्स रेडी हैं, कितने ही यमी लग रहे हैं। सब बना दिए मैंने, अब इसको फाइनल प्रोसेस भी हो गया। चटनी के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, जिसके साथ आपका मन चाहे, बहुत ही यमी है। आप भी बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा रहा आपके लिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो तक, टेक केयर, बाय बाय।